आवाज हमें अब आवाज ठीक रहेगी बेटा। मैं ये कह रहा था जी सर, कि सही आ रही है। अब आप देखें, मैं अभी फिर ये बात जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि काफ़ी टाइम हम इसी पे लगा चुके हैं। फिर ये सुन लें बेटा कि क्यों ऑक्सीजन, मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि क्यों ऑक्सीजन OF6 नहीं बना सकता। इसलिए नहीं बना सकता बेटा कि ऑक्सीजन के पास दो शेल हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। दो शेल होने की वजह से जो ऑक्सीजन का सेकेंड शेल होगा, मतलब वैलेंस शेल, उसमें जब आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता है कि सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के हैं, तो लिहाजा ये मैक्सिमम दो बॉन्ड बना सकता है, दो से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। देखें, दो हाइड्रोजन के साथ या दो फ्लोरीन के साथ अटैच हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बेटा। क्या ऑक्सीजन बेटा 6 बॉन्ड बना सकेगा, मुझे ये बताएं। अगर सपोज करते हैं जी, मैं अगर ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड यहां पर ड्रॉ भी करता हूं, सपोज मैं अगर यहां पर ऑक्सीजन के 6 बॉन्ड ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, तो आप खुद देखिएगा बेटा कि क्या मिस्टेक हो रही है इसमें। बेटा ये देखिएगा, अगर 6 फ्लोरीन्स मैं ऑक्सीजन के साथ ड्रॉ करता हूं, तो मुझे जरा बताएं बेटा इसमें क्या मिस्टेक होगी। सर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स इज ग्रेट शेल इज ग्रेटर देन 8, नहीं व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नहीं बेटा, ये आप ये कहें कि सेकंड शेल के अंदर, वैसे तो 8 से ज्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन नहीं, लेकिन सेकंड शेल के अंदर नहीं हो सकते ना, और हाँ ये यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है, जी, तो टू ये एन आप स्क्वायर बिल्कुल का फॉर्म बिल्कुल है। आप ये बताएंगे कि सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी तो 8 है, और अगर ऑक्सीजन भी 6 बॉन्ड बनाए, तो अब कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन तो इम्पॉसिबल है सेकेंड शेल में आना, इसलिए OF6 नहीं हो सकता। लेकिन क्यों SF6 एग्जिस्ट करता है, तो जरा इसकी रीजन भी सुन ले बेटा। SF6 के केस में जो आपका सल्फर है, सल्फर बेटा थर्ड पीरियड में है, तो इट मींस सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। सल्फर के वैलेंस शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन बेटा होंगे। अब बेटा देखें, 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब आप मुझे बताएं कि थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा। थर्ड शेल में 18, अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। तो लिहाजा सल्फर के पास अगर 6 फ्लोरीन्स आ रहे हैं, तो सल्फर उन सब फ्लोरीन्स के साथ बेटा बॉन्ड बना सकता है, और आप ये देख सकते हैं कि उन फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद जो सल्फर की कैपेसिटी है ना, वो अभी तक खत्म नहीं हुई। सल्फर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन अपने थर्ड शेल में अकोमोडेट कर सकता है। तो बेटा ये है रीजन सर जी बेटा। सर पहले 4s नहीं फिल होगा 3d से पहले? बेटा वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप आ गए हो, उस पर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट उस पर ही मैं आ जाता हूँ। लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि थर्ड शेल में आपके पास, यहाँ तो बेटा इस डॉट एंड क्रॉस के अंदर तो आपको एस और पी नज़र नहीं आ रहा ना, यहाँ तो सिर्फ हम शेल की रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यहाँ तो एस और डी की बात नहीं हो रही बेटा, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है। तो थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर सल्फर 6 फ्लोरीन्स के साथ भी बॉन्ड बना ले, तो 6 फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद उसकी कैपेसिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। देखें, अभी तक इसके आउटर मोस्ट में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेटा मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा था PCl5 वाला, उसको ये बात क्लियर हो गई है या नहीं। जी बेटा, मैं अगर आपसे चले ये क्वेश्चन पूछ लूं बेटा, मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि NCl5, क्या NCl5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। NCl5 हालांकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, हालांकि दोनों फिफ्थ ग्रुप में है, नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी। सर बिकॉज एन के पास दो शेल्स होती हैं और PCl5 के पास फिर भी थ्री होती हैं, और इस वजह से वो फास्फोरस के यानी पास कि तीन एन शेल है, की ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा फॉस्फोरस तीन शेल, इस वजह से वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर ठीक है बेटा, सकता अबव मोर एट। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं SF6 के ऊपर। अब जरा सल्फर के पास आप देखिए वैलेंस शेल में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस। अच्छा, एक जो बच्चे अगर इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी ये ऑक्टेट रूल कहाँ गया, तो बेटा ऑक्टेट रूल जो है ना, ये एक रूल तो है लेकिन विथ फ्यू एक्सेप्शंस। हमारे पास बाज़ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, और बाज़ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं
जिनके पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में और वो भी स्टेबल हैं। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। ये जो SF6 है, PCl5 है, BF3 है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये मत समझिएगा कि ये ऑक्टेट रूल कहीं अब गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, ये एक्सेप्शंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। बेटा SF6 के अंदर आप देखें कि 6 आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं और ये सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर हैं बेटा, बॉन्डिंग पेयर हैं। लोन पेयर इनके पास 0 है। तो अब आप इसके बॉन्ड एंगल और इसकी ज्योमेट्री बेटा कैसे देखेंगे, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। तो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री के लिए मैं आपको दिखाता हूं जी, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री। ये जी, अब ये देखिए जी, आपके पास ये सेंटर में सल्फर है जी, दिस इज सल्फर। मैं 6 फ्लोरीन इसके साथ लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। बड़ा जरा शेप इसकी गौर से देखिएगा 1 मिनट, क्योंकि फिर आपने 3D भी बनानी है ना। अब देखिए, अब आपके पास, अब आपके सामने सारे एटम शो हो रहे हैं जी। बेटा जरा बॉन्ड एंगल्स तो बताएं, इसमें क्या बन रहा है, क्या बॉन्ड एंगल बेटा बन रहे हैं, सारे बॉन्ड एंगल्स कितने के हैं? 90 के, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 जी बेटा। तमाम बॉन्ड एंगल्स जो है ना 90 के शो हो रहे हैं। और बेटा इसकी शेप आप बता सकते हैं, इसकी कितनी साइड्स हैं जरा बताएं, शाबाश, साइड्स कितनी हैं सिक्स सिक्स बेटा? मैं अगर कहूं इसकी 8 साइड्स हैं, ऑक्टा, इसकी 8 साइड्स, कोई बच्चा ये बता सकता है कि इसकी 8 साइड्स कैसे हैं? ये देखिए जरा, एक से अगर आप उन सारी यानी कि इन टॉप्स को जो है ज्वाइन करें और एक फिगर बनाएं तो वो एक 8 साइड फिगर बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बेटा, ये बात है। अब देखिए मेरी बात सुने, एक साइड बेटा यहां से बन रही है, देखें इधर, ये जो मैं एरो लेके जा रहा हूं यहां से लेफ्ट साइड पर एक साइड बेटा, एक साइड इसके राइट साइड पर बन रही है, ये 2 साइड्स होगी बेटा, एक साइड इसके फ्रंट पे बनेगी ऐसे और एक साइड इसके बैक पर। तो 4 साइड्स बेटा ऊपर आ रही है इसकी और 4 साइड बेटा इसके नीचे आएंगी। ये एक साइड हो जाएगी, ये दूसरी साइड हो जाएगी बेटा, ये तीसरी साइड इसके साथ और चौथी साइड बैक साइड पर। मैं आपको इसकी एग्जांपल ये दे डायमंड शेप बेटा, ये आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप। आप सिर्फ, आपको वो ये कभी नहीं कहेगा कि आप ऑक्टाहेड्रल शेप ड्रॉ करें बेटा, ड्रॉ करने के लिए नहीं कहेगा, आपसे ये पूछेगा कि इस शेप का नाम क्या है। तो देखिए मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यहाँ लिख रहा हूँ, ऑक्टा कहते हैं 8 को, हेड्रल बोलते हैं साइड को, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। और बॉन्ड एंगल्स, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 बेटा, तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल्स कौन से होंगे, 90 के होंगे। अब बेटा आपने अगर इसकी 3D डायग्राम बनानी है तो मुझे ये बताएं, अगर मैं मॉलिक्यूल को ऐसे रखूं तो ज्यादा आसान है। देखें अब मुझे ये बताएं कि कितने एटम्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं बेटा, इसमें कितने एटम्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं? सर एक एक, तो एक बेटा आप वेज लाइन से शो कर दें, और एक एटम है जो आपसे अवे जा रहा है, तो एक एटम को आप बेटा डॉटेड लाइन से शो कर दें, और बाकी ये जो चार एटम्स हैं ये प्लेन लाइन से शो करेंगे। मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं बेटा, अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये देखें, इसकी मैं पिक्चर ले लेता हूं, ऐसे कॉपी, बेटा ये देखिएगा जरा, इसको आपने 3D में कैसे बनाना है। ये सल्फर है बेटा, ये वाला, ये जो चार एटम्स है ना बेटा, ये ना आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपसे अवे जा रहे हैं, तो इनको मैं प्लेन लाइन, जिन पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इनको मैं प्लेन लाइन से शो करूंगा ऐसे। और बेटा ये जो एक एटम है जो आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स यू, ये जो है बेटा ये वाला, इसको आप वेज से शो कर दें ऐसे करके। इसका मतलब है कि ये आपकी तरफ आ रहा है बेटा, और ये जो बेटा पीछे एटम आपको दिख रहा है ये वाला, इसको आप डॉटेड लाइन से शो कर दें, इसका मतलब है ये आपसे अवे जा रहा है। तो दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ SF6। इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कि ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90, शेप इज ऑक्टा, ऑक्टा कहते हैं 8 को, हेड्रल बोलते हैं साइड्स, तो ऑक्टा हेड्रल है ये, इसकी 8 साइड्स हैं,
और इसमें आप एग्जाम्पल SF6 बता दें या TEF6 बता दें। बेटा ये तो थी वेस्पर थ्योरी, और इस थ्योरी के सर अंदर केस फोर का स्ट्रक्चर एक बार फिर बना के एक्सप्लेन करना। PCL5 का बेटा, जी सर। ओके बेटा, बेटा PCL5 के केस में आप ये देखें बेटा, ये है जी फास्फोरस और इसके पास पांच क्लोरीन्स हैं बेटा, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ किसी एक खास एंगल पर, फिर आप देखिएगा बेटा। एक मिनट, हाँ ये ठीक है, एक सिर्फ एक मिनट। ये बेटा नजर आ रहा है जी आपको? अब बेटा देखें इसमें, जी सर। अभी आप इस वाले को भूल जाएंगे जो सामने, इसको इग्नोर करके ये देखें, ये तीन आपको क्लोरीन नजर आ रहे हैं जिन पे मैं एरो लेके जा रहा हूं, ये तीन, ये क्या बन रहा है आपका, ये ट्राइगोनल है या नहीं है? जी तीन सर। तीन साइड्स हैं ट्राइगोनल, और बेटा एक पायरामिड आपकी तरफ आ रहा है और एक पायरामिड बैक साइड पर है, तो दो पायरामिड्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, ये देखिएगा जरा, ये देखें इस तरीके से आप देख लें, ये दो पायरामिड है बेटा, एक पायरामिड ऊपर और एक पायरामिड नीचे, तो इसको क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। पहले बताऊं नाम समझ आ गया, ताकि मैं फिर आगे इसकी डायग्राम पर आता हूं। जी सर, समझ आ गया। अब इसकी मैं आपको डायग्राम बना दूं बेटा। जी अच्छा, अब डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको फिर बेटा इस तरीके से अरेंज करता हूं, ये देखिएगा जरा, मैं इसके यहां से स्निप कर लेता हूं, वेट। सर, आप लिखने के लिए पेन इस्तेमाल करते हैं? जी बेटा पेन है मेरे पास, नोटबुक पे लिखते हैं? नहीं बेटा ये मेरे पास वो है, इसका वैक्यूम टैबलेट है एक, अच्छा। जिस पे लोग ड्राइंग करते हैं ना उस पे। बेटा ये देखिएगा अभी इधर के, ये आपका है फास्फोरस बेटा, ये तीन क्लोरीन्स ये ना आपकी तरफ आ रहे हैं और ना आपसे दूर जा रहे हैं जी, तो इनको तो मैं प्लेन लाइन से शो कर दूंगा बेटा। एक ये फास्फोरस आपकी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स यू, तो इसको आप बेटा वेज से शो कर दें, और एक बेटा आपसे अवे जा रहा है ये पीछे वाला, ये तो इसको आप या इधर आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगा दीजिए, ये बेटा PCL5। ठीक है बेटा जी, बेटा ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है सर। हाँ बेटा आज के जो टॉपिक है सर, ना, जी बेटा जी जी पूछें, ये जो 3D डायग्राम्स हम बनाते हैं, इससे हमें एंगल्स का तो नहीं पता नहीं नहीं चलता जारी है? बात है बेटा, एंगल्स नहीं, लेकिन वो आपसे सिर्फ ये आपको चेक कर रहा होता है कि आपको ये पता है कि एटम्स किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, आप सारे टू डायमेंशंस में अरेंज ना करें, वो कम से कम चाहता है कि कम से कम स्टूडेंट ये बता दे कि ये एटम बाहर, ये एटम आउट ऑफ द प्लेन है और बाकी एटम्स प्लेन के पैरेलल है, तो जो आउट ऑफ द वैसे प्लेन वो जी एंगल पूछेगा। एंगल पूछेगा, लेकिन आपसे ये नहीं कहेगा कि एंगल को ड्रॉ करें, आपसे सिर्फ नीचे ब्लैंक में, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ वेट अ मिनट, आपसे सिर्फ ये पूछेगा जी कि इसका बॉन्ड एंगल क्या है, जुबानी मतलब टेबल दिया होगा, और टेबल के एंड पर मैं आपको ना बेटा क्लास के एंड पर ना वो बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। मैं तो एक मिनट, मैं तुम्हें ये अटैच कर देता हूँ, वेट। ये देख लें बेटा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह वो आपसे पूछेगा जी। हाँ ये देखें जी, इधर बेटा ये कह रहे जी के प्रिडिक्ट द शेप ऑफ AlCl3 एंड PCl3। चले एक प्रैक्टिस के तौर पर हम कर लेते हैं, और बेटा देखें कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जरा चेक करें कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, फोर मार्क्स मार्क्स का, करना आपने कुछ भी नहीं है और फ्री के मार्क्स हैं। ड्रॉ द डायग्राम्स टू शो द शेप्स, नेम ऑफ द शेप एंड स्टेट द बॉन्ड एंगल्स। तो बेटा आपने यहां पर इनकी अब शेप बतानी है और बॉन्ड एंगल बनानी है, और ड्रॉ द डायग्राम्स, इनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है। तो बेटा यहां पर तो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत आसान है, AlCl3 है,
तो आपको यहाँ पर कोई, क्योंकि ये सारे बेटा एक ही प्लेन में आते हैं, यहाँ आपको जरूरत नहीं है कि कोई आप वेज में ड्रॉ करें या डॉटेड लाइन में, ठीक है सर, लेकिन हमें कहा भी क्यों नहीं है सर, सी डी करें बेटा? वो आपको या फिर कहेगा नहीं, नहीं, वो आपको नहीं कहेगा बेटा, ये आपके लिए लाजमी है। वो आपको ये कभी नहीं कहेगा कि ड्रॉ दी 3D एंड ड्रॉ दी 2D, नहीं, ये आपको खुद अंडरस्टैंड सर करना है। अभी शेप ऑलरेडी 3D है तो हम 3D ड्रॉ कर देंगे ना फिर जिसकी बनती है जिसकी 3D। बनती होगी आप 3D ड्रॉ करेंगे, जिसकी नहीं बनती होगी आप उसको, अब देखें ALCL3 जो है ना बेटा, ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ बेटा, ये है जी आपका ALCL3। अगर मैं इसको सही तरीके से अरेंज करूँ इधर आसान एक से, आप देखिएगा, ये देखें जी बेटा, कोई भी एटम आपको इस शेप में ऐसा नहीं लग रहा जो आपकी तरफ आ रहा है और जो आपसे अवे जा रहा है, सब प्लेन में है, सब पैरेलल है, जी सर प्लेन के पैरेलल जा रहे हैं। और बेटा अब आपने इसकी बॉन्ड एंगल बताना है, बॉन्ड एंगल क्या है 120, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, तो आपने ये बेटा लिख देना है, इसके मार्क्स हैं, शेप क्या है जी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, और बेटा एंगल क्या है 120। अच्छा अब अक्सर बच्चे PCL3 में भी यही काम करके आ जाते हैं बेटा, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने कोई शेप बनानी हो और कोई एंगल ड्रॉ करना हो तो आप कभी भी डायरेक्ट इस तरह मत करें, आप पहले उसका डॉट एंड क्रॉस बनाएं। PCL3 का मैं आपको पहले बेटा बनाकर दिखाता हूँ डॉट एंड क्रॉस, ठीक है? तो PCL3 का आपने डॉट एंड क्रॉस बनाना है, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में है, आपको पता चलेगा कि फॉस्फोरस तो फिफ्थ ग्रुप में है जी, ये जी। अब सर आप ALCL3 के शेप का नाम क्या है? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, फोकस। अब बेटा PCL3 को देख लें, PCL3 का आपने पहले डॉट एंड क्रॉस बनाना है। आपको पता है कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में और 3 क्लोरीन्स इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं जी, ये आपने कर लिया। अच्छा सम टाइम वो आपसे कह भी देता है कि आप डॉट एंड क्रॉस बनाएं, सम टाइम वो आपसे कहता है तो फिर आपको डॉट एंड क्रॉस बनाना है लाजमी। और बेटा क्लोरीन के बकिया इलेक्ट्रॉन्स भी लाजमी डालेंगे, ठीक है? बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो बच रहे हैं वो आपने लाजमी इसमें डालने। अब बेटा क्या करेंगे, अब आप ये काउंट करें कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये हैं जी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और इसमें आप देखें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। तो अब आपको अगर ये टेबल याद होगा ना बेटा, अगर आपको ये टेबल याद होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं है जी, अगर आपको ये टेबल याद होता है, 3-1 का कॉम्बिनेशन देखें, 3-1 का कॉम्बिनेशन जी, 3-1, तो क्या बॉन्ड एंगल होगा और क्या ज्योमेट्री होगी देखें जरा इसमें जी बेटा। यस तो बेटा 107 आपका बॉन्ड एंगल होगा, ट्राइगोनल पैरामिडल आपकी ज्योमेट्री होगी। तो आप यहां पर अब लिख देंगे कि PCL3 के अंदर, PCL3 के अंदर आपको जो शेप है वो शेप है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल एंड एंगल इज 107। और अब आप ये कैसे बनाएंगे जी PCL3, ये देखने इधर बेटा PCL3 कैसे बनाना है आपने, ये देखिएगा इधर। अब आप ये 3 क्लोरीन्स और 1 लोन पेयर, बेटा ये देखें आप इसमें 3 वो यूज कर सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से सेट करता हूं। हाँ एक बेटा एक आप वेज लगा सकते हैं, ये देखें ये आपकी तरफ आ रहा है, एक आप वेज शो कर दें, एक प्लेन लाइन शो कर दें, ये ना आपकी तरफ आ रहा है ना आपसे दूर जा रहा है, और एक डॉटेड लाइन यूज कर दें और ऊपर लोन पेयर ड्रॉ करें, एक वेज। अच्छा इसको अगर आप घुमाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने हमेशा इसी तरह रखना है, लेकिन आसान ये है कि 3 बॉन्ड्स हैं तो हर बॉन्ड को एक एक लाइन से शो कर दें, एक को वेज से, एक को प्लेन लाइन से, एक को डॉटेड से। तो अब आपने यहां जो डायग्राम बनानी होगी वो इस तरीके से बनाएं कि ये फॉस्फोरस है, ये आपने बेटा एक इससे शो कर दिया। सही, ये जो मॉड्यूलर डायग्राम आप बनाते हैं वहाँ उस वेबसाइट पे, वो खुद आप उसको अटैच करते हैं या फिर आप डालते हैं PCL3 और नहीं वो बेटा बनाते आपको हैं? मैंने इसका लिंक नहीं सेंड किया, मैं आपको इसका लिंक अभी सेंड कर देता हूँ, ये आप इसको खुद भी प्रैक्टिस करें। मैं सिर्फ ये करता हूँ बेटा, ये साइट पर ना इसने ऑप्शन दिए हैं सही किया बॉन्डिंग वैसे।
के सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बनाना है, बस मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो शेप खुद बनाता है उसकी, मैं इसको सिर्फ यहाँ पर रोटेट करता हूँ ऐसे। हाँ, इसको आप यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है बेटा, ये मैं आपको बता दूँ, ये एक वेबसाइट है फेट कोलोराडो, ये कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, और इसके अंदर आपको फिजिक्स की सिमुलेशंस मिलेंगी, मैथ्स की सिमुलेशन मिलेंगी, केमिस्ट्री की मिलेंगी, बायो की मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर 850 मिलियंस सिमुलेशंस हैं, और सबसे बेस्ट यूज़ इसका फिजिक्स के अंदर है। आपको फिजिक्स के अंदर वो काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें, मतलब सारे जो है ना, सारे टॉपिक्स की एनिमेशन दिखा रहा होता है, तो इसको आप यूज़ किया करें, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। अच्छा, थैंक ये जी PCL3, तो PCL3 में बेटा एक वेज हो जाएगा इस तरीके से, एक ये प्लेन लाइन, एक ये डॉटेड लाइन, और लोन पेयर अगर ड्रॉ ना किया बेटा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लोन पेयर लाजमी ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी आपका PCL3। बेटा इस चीज़ के मार्क्स हैं, वेस्पर थ्योरी में इस चीज़ के मार्क्स हैं कि आपको शेप पता होनी चाहिए, आपको बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 3D डायग्राम्स आपने स्टार्ट करनी है वो केस 3 से स्टार्ट करनी है। बट कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं है, तो अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन पेयर हैं टोटल, तो उसके लिए 3D आप ना बनाएं बेशक, उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप प्लेनर मतलब सिर्फ प्लेन लाइन से अपनी डायग्राम ड्रॉ करें। लेकिन अगर किसी सर, मॉलिक एक सवाल है जी बेटा, सर, वो जो आखिरी डायग्राम बनाई थी वो PCL3 की, उसमें वो लोन पेयर के लिए कोई फिक्स जगह होती है नहीं नहीं डायग्राम में? लाजमी नहीं है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ, लोन पेयर के लिए फिक्स जगह नहीं है। मैं अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करता जाऊँ, ये देखो जी, ये लोन पेयर नीचे आ गया, ऐसे करूँगा इधर आ गया, ऐसे करूँगा इधर आ गया, पीछे चला गया, ये तो आपकी मर्जी है ना, ये देखो आप जहाँ मर्जी इसको रोटेट कर दो, ये देखो ये इधर आ गया सर जी बेटा। सर मुझे लोन पे का समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने आपकी क्लासेस मिस की थी, एग्जाम्स हो रहे बेटा थे, लोन पेयर की क्या तो क्या बात, लोन पेयर की, लोन पेयर आपको ये मतलब पता है हमें कि, कैसे पता चलेगा कि कितने लोन पेयर्स हैं और सब? हाँ बेटा इस तरह इस तरीके से ये डॉट एंड क्रॉस आपको बताएगा। देखें, मैंने मैंने बेटा ये जो PCL3 का डॉट एंड क्रॉस बनाया, ये आपको नजर आ रहा है बेटा, PCL3 का डॉट एंड क्रॉस, जी सर, बेटा इसमें कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर, पेयर की बात कर रहा हूं बेटा, ये लोन पेयर है ना आपके पास बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं बेटा? नहीं सर, तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मैं अगर ये पूछूं कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे, तो क्या बताएंगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? वन वन पेयर। पे और बेटा कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तीन है। तो आपका ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 3-1 का कॉम्बिनेशन बन गया ना, कि बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा, तो आपने बेटा ये टेबल ड्रॉ किया हुआ, या ये टेबल भी आपको नहीं पता? सर अभी मैं बॉन्डिंग की मेरी आज पहली क्लास बेटा है। इस तरह है फिर कि मैंने ग्रुप में ना ये यूट्यूब का लिंक सेंड किया है, उस पर ये पूरा मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको आप लाजमी सुने, 1 घंटे का है, ठीक है। वो मैंने ये ठीक क्लास है ही सर, रिकॉर्ड की थी, वो आप लाजमी सुन लीजिएगा, उससे फिर आपको थैंक समझ यू आएगी कि आप ग्रुप में ऐड है ना, कौन से आप सेक्शन में, M2 में या E1 में? M2 हाँ बेटा, MD। तो उसमें वो मैंने सेंड किया हुआ है, जो हलीमा है उसने सेंड किया है। अच्छा बेटा, अब आ जाएं आज का जो हमारा लास्ट पॉस्टुलेट था वेस्पर थेरी का, जरा इस पॉस्टुलेट को जरा सब बच्चे पढ़ें 1 मिनट के लिए बेटा, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा इस पॉस्टुलेट को बेटा पढ़ें। सही लिखे हो? बेटा लिख लें तो अच्छी बात है, ये आपसे कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि आप ये पॉस्टुलेट लिखें, इसकी एप्लीकेशन आएगी, एग्जाम्पल्स देगा और आपसे वो पूछेगा फिर। समझ गया। समझ गए? 1 मिनट, मैं जरा इसका डॉट एंड क्रॉस नीचे बनाता हूँ, मैं आपको इसका बिल्कुल जो कीवर्ड है वो बता दूं। वेस्पर थेरी ये कहती है कि जब भी आपने, गौर से सुनिएगा, वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जब भी आपने किसी मॉलिक्यूल की शेप बतानी है, तो शेप बताते वक्त
आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। सिंपल से जो उसने यहाँ पर बात बताई है ये वो ये कि आप जब भी किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करना चाहते हैं और उस मॉलिक्यूल में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड के तौर पर कंसिडर करना है। क्यों, मैं अभी आपको इसकी रीज़न बताता हूँ जी। बेटा यहाँ पर मैंने दो मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं जी, एक है CH4 बेटा, CH4 में कोई डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? नहीं। और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर इसका डॉट एंड क्रॉस भी बनाया हुआ है। पहली चीज तो बड़ी क्लियर है, वो ये कह रहा है बेटा कि सिंगल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? दो। और डबल बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बेटा? चार। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी? जहां डबल बॉन्ड बन रहा है वहां आप इलेक्ट्रॉनिक में लोन पेयर्स नहीं मिलाए। ऑक्सीजन के, बिल्कुल बिल्कुल बनाने हैं। गुड बेटा, मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, जहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है या जहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है? ये डबल बताएं सर, कहाँ ज्यादा होगी? डबल डबल में, डबल में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान ज्यादा होगी। बेटा दूसरी बात वो ये कह रहा है कि यहां पर, हाँ सर ये समझ नहीं आई, जरा रिपीट कर दें। बेटा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मीथेन के केस में? दो। दो मतलब इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? सर, तीन, नहीं, तीन कहां से बेटा, एक डबल। सॉरी सर, चार कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? चार चार, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और दूसरे बॉन्ड के जी लिए भी दो सर, इलेक्ट्रॉन, तो चार। चार तो वो ये कह रहा है बेटा कि जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डबल बॉन्ड के, टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ डबल बॉन्ड कंटेन हायर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में जो डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रो बॉन्डिंग पेयर्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होती है। आप मुझे बताएं ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहां पर है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान? कार्बन नहीं सर, और, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। यस, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात उसने बताई है, लेकिन अगली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सुने बेटा। अगली बात वो ये कह रहा है कि अब आपने बेटा शेप बतानी है। शेप बताने के लिए वो कह रहा है कि जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं बिहेव लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। दिस इज बिकॉज दे टेंड टू ऑक्यूपाई द सेम रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। अब मैं आपसे ये कहता सर हूं, ये जरा फिर से समझा मैं दें, बता रहा हूं जरा बेटा, मसला आ रहा था मैं मुझे, बता रहा हूं मतलब बेटा, नेट में। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा बेटा मुझे जरा इस CH4 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताएं जी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं जी इस CH4 में? शाबाश, सर चार, और चार सर इलेक्ट्रॉन पेयर चार हो गए जी। सर चार, बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? बॉन्ड पेयर, वो इलेक्ट्रॉन पेयर बताएं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, वो भी चार, वो फोर ही है सर, भी फोर फोर ही हैं जी। ठीक है जी। बेटा लोन पेयर कितने हैं जी? जीरो जीरो जीरो। और बेटा इसकी आप मुझे शेप बताएं, फिर शेप क्या होती है जल्दी से शेप बता दें। जब ये 4-0 वाला कॉम्बिनेशन आता है तो शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है या नहीं होती? सर, टेट्राहेड्रल। और बेटा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 109.5, ऐसी ही बात है या नहीं है बेटा? यस अब सर बेटा है। वेस्ट, अब डबल बॉन्ड के अंदर आ जाए। अभी तक हमने कोई एग्जांपल ऐसे नहीं की थी, कोई एग्जांपल ऐसे नहीं की थी जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, लेकिन अब ये फर्स्ट एग्जांपल हम करने जा रहे हैं। अब आप जरा काउंट करके बताएं, ऊपर देख लें या नीचे आपकी मर्जी है, यहां देख लें कि इस कार्बन के अराउंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं जी। और सर अगर आप इसको फोर लेते हैं, सपोज चले हम फोर ले लेते हैं जी एक मिनट के लिए, अगर आप कह रहे हैं जी कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और ये चौथा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो गए फोर। बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई इसमें? फोर सर, फोर लोन सर, पेयर कितने हैं भाई इसमें? लोन पेयर। जीरो तो इसकी शेप क्या होनी चाहिए फिर बेटा, अगर इस टेबल को हम देखें, इस टेबल के अकॉर्डिंग शेप क्या होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप तो टेट्राहेड्रल आप बना ही नहीं सकते। बनाकर दिखा सकते हैं मुझे टेट्राहेड्रल? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो अब वेस्पर थ्योरी ये कहती है, सुन लें, वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि आपने जब भी किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करना है, तो ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है, या आपने जो दो एटम्स के दरमियान, दो न्यूक्लियाई के दरमियान अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तो आपने उसको एक दफा कंसिडर करना है। देखिए, अब यहां पर आपके पास, सर फिर दो बॉन्ड करेंगे। हाँ जी, यहां पर आपके पास अब बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक साइड पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा दूसरे साइड पर आ रहा है। वेट अ मिनट, इसको मैं जरा बेटा, एक पेयर आपका ये आ रहा है और एक पेयर ये आ रहा है, क्योंकि बेटा बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, सिंगल बॉन्ड बनने के बाद ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी तो उन्हीं दो न्यूक्लियाई के दरमियान है, तो इसलिए आप दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पर देखें, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो एक पेयर आपने ये काउंट कर लिया, अब दूसरा पेयर आप ये क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे कि दूसरा पेयर भी तो उन्हीं दो न्यूक्लियाई के दरमियान है। हालांकि बॉन्ड एंगल बनाने के लिए, बॉन्ड एंगल को देखने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप काउंट करते हैं, वो डिफरेंट न्यूक्लियाई के दरमियान होने चाहिए। एक ही न्यूक्लियाई के दरमियान अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते जाएंगे, तो वो तो बॉन्ड एंगल नहीं बनेगा। इसलिए आपने, बस मुख्तसर तौर पर ये बता रहा हूं, आपने क्या करना है कि डबल बॉन्ड अगर आपके सामने आ जाए, तो आपने डबल बॉन्ड के अंदर से एक दफा इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करना है, दूसरे पेयर को फिर काउंट नहीं करना। इसी तरह दूसरी साइड पर भी बेटा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप एक पेयर को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, क्योंकि दो न्यूक्लियाई के दरमियान चाहे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएं, चार इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएं, आपने एक दफा इलेक्ट्रॉन पेयर को सिलेक्ट करना है। तो अब आप इसकी ज्योमेट्री कैसे बताएंगे, सुने, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अब जो कार्बन के अराउंड आ रहे हैं, वह दो हैं, एक ये है और एक ये है जी, तो टू इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग पेयर बेटा यहां पर जीरो होंगे। लोन पेयर कार्बन के अराउंड आप देख सकते हैं, कोई ऐसा पेयर आपको नहीं दिख रहा जो बॉन्ड ना बना रहा हो, तो लोन पेयर इज जीरो। तो ये कॉम्बिनेशन अब आपके पास है, असल में टू जीरो का कॉम्बिनेशन, और इस सर टू बॉन्डिंग पे जीरो कैसे है? लोन पेयर बट ओ सॉरी बेटा, लोन पेयर जीरो है, सॉरी बेटा, लोन पेयर इज जीरो, बॉन्डिंग पेयर तो टू है। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन जो है ना, अब आपने देखना है अपने टेबल सर में, आप इसका मॉडल दिखा सकते मैं हैं? दिखा रहा हूँ बेटा, मैं दिखा रहा हूँ, कंफ्यूजन हो एक रही मिनट है एक सर। मिनट बेटा, इसका मॉडल दिखा रहा हूँ, टू जीरो का कॉम्बिनेशन। अब आप देखेंगे कि टू सर जीरो मैं का एक सवाल करना चाहता हूँ। एक मिनट बेटा, अभी सवाल ना कीजिएगा। टू जीरो का कॉम्बिनेशन में आप चेक करें कि आपके पास, हाँ ये टू जीरो का कॉम्बिनेशन में आपने देखना है कि आपके पास बेटा बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है, 180, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बन रही है, लीनियर। तो यहां पर अब इसकी जो बॉन्ड एंगल बेटा बनेगा, बॉन्ड एंगल वो आप इस तरीके से बनाएंगे, 180, और जो इसकी शेप होगी वो लीनियर होगी। मैं जरा आपको पहले इसका मॉडल दिखा दूं, फिर आपके बेटा क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन एक मिनट पहले इसका मॉडल हम देख लेते हैं। ये जी बेटा आपके पास कार्बन, दिस इज कार्बन, और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एक साइड पर, दूसरा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दूसरे साइड पर। मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई है बेटा, मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई है कि वेस्पर थ्योरी के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो आप उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर कंसिडर करें, और उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को सिलेक्ट करें, दूसरे को ना सिलेक्ट करें, क्योंकि वो उन्हीं दो न्यूक्लियाई के दरमियान आ रहा है। तो ये बेटा आपके पास स्ट्रक्चर होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बॉन्ड एंगल देखना चाहते हैं, तो ये देखें जी, बॉन्ड एंगल इज 180, बॉन्ड एंगल 180 है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर। मुझे आप एक मिनट और दें, फिर मैं आपके बेटा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक एग्जाम्पल और पहले बताने दें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखने जा रहा हूं, C2H2। अब पहला काम बेटा, मैं इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाऊंगा, C2H2 बेटा इस तरह का इसका फॉर्मूला है जी। अगर आप लोगों से ये डिस्प्लेट फॉर्मूला नहीं बनता, आपको नहीं समझ आ रही कि ये कैसे बन गया, हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको मैं इस तरीके से बता सकता हूं कि आप बेटा इस फॉर्मूले को गौर से देखें, तो आपको समझ आएगी कि दो कार्बन है, तो ठीक है आप ये दो कार्बन कनेक्ट करें, और हाइड्रोजन हैं, दो हाइड्रोजन है,
आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन आप इधर ड्रॉ कर दें और एक हाइड्रोजन इधर ड्रॉ कर दें, बेटा हाइड्रोजन के बॉन्ड्स तो पूरे हो गए। अगर आप इस कार्बन को देखें तो कार्बन के बॉन्ड्स बेटा यहाँ पर पूरे नहीं हुए, कार्बन के दो बॉन्ड हैं, इस तरह इस कार्बन के भी दो बॉन्ड हैं, तो जितने बॉन्ड्स कम हैं आप उतने बॉन्ड्स दरमियान में ड्रॉ करते जाएं। अब आप देखेंगे कि कार्बन के चार चार बॉन्ड्स दोनों साइड पर पूरे हो गए। अब बेटा मैंने इसकी शेप बतानी है, शेप बताने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करते हैं, तो मैं ज़रा इसका डॉट एंड क्रॉस बना लेता हूँ। डॉट एंड क्रॉस के लिए बेटा कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिएगा ये जो रेड कलर से हैं ये कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स मैं ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ जी, ये दूसरे कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा आपके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब इसका डॉट एंड क्रॉस मैं बनाने जा रहा हूँ जी, ये आ गया नीचे कार्बन, कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन बेटा इधर लगा रहा हूँ, ये तीन इलेक्ट्रॉन कार्बन के और एक इस साइड पर, बेटा ये आ रहा है जी आपके पास दूसरा कार्बन जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, बेटा इस कार्बन के भी बेटा तीन इलेक्ट्रॉन इस साइड पर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और बेटा अब हाइड्रोजन्स। अब बेसिकली मैंने इसकी शेप बतानी है आपको, मैं बता चुका हूँ कि बेटा वेस्पर थ्योरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर कंसिडर करेगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसकी क्या शेप है, तो ठीक है मैं पहले इस कार्बन को देख लेता हूँ जी, इस कार्बन को पहले देखता हूँ, इस कार्बन के अराउंड मैंने देखना है इस कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फिर मैं देखूंगा इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, फिर मैं देखूंगा इसमें लोन पेयर कितने हैं, और फिर मैं इसकी ज्योमेट्री और इसके बॉन्ड एंगल की बात करूंगा। तो बेटा इस कार्बन के अराउंड मुझे बताएं शाबाश कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के अराउंड, सर वन वन एंड टू। आपको बताया है कि अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा तो आपने एक दफा ही पेयर को सिलेक्ट करना है बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं कार्बन के अराउंड, टू है बेटा, एक ये है और एक ये है बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर टू। बेटा कार्बन के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, इन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से बॉन्ड पेयर बताएं कितने हैं, दोनों के दोनों ही बॉन्ड पेयर है ना, दोनों के दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, दोनों ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो बॉन्ड पेयर टू। लोन पेयर बेटा कितने हैं, लोन पेयर कार्बन के पास जीरो जीरो, तो बेटा अब ये कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया, टू जीरो का कॉम्बिनेशन। बताएं जी जब टू जीरो का सर, इसमें हम इंडिविजुअल कार्बन का देख रहे हैं जी बेटा इंडिविजुअल कार्बन के देख रहे हैं, अभी इस कार्बन का भी देखेंगे बाद में, अब मुझे कि अभी हम सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं बेटा, अभी इस पार्ट को देख रहे हैं, और इस पार्ट के अंदर सेंट्रल कार्बन ये होगा ना आपका, बेटा ज्योमेट्री में जरा मुझे बताएं कि ज्योमेट्री क्या होगी जी इसकी, लीनियर ज्योमेट्री होगी, लीनियर ज्योमेट्री, और अगर आप बॉन्ड एंगल देखना चाहते हैं तो बॉन्ड एंगल बेटा यहाँ 180 होगा, 180, तो बॉन्ड एंगल इज 180। अच्छा अब आप बेटा अगर दूसरे साइड को देखना चाहते हैं तो वो साइड आप देख लें, अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस साइड पर एंगल देखना है और इस साइड पर ये आपका सेंट्रल कार्बन है, इस कार्बन को देख लें तो वो भी यही चीज आपको दे रहा है जी, इस कार्बन को अगर आप देखें तो इस कार्बन के अराउंड भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर टू है, लोन पेयर जीरो है, और जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। मैं आपको जरा इसका मॉडल दिखाता हूँ बेटा, एक मिनट मॉडल जरा देखिएगा, सर हमेशा लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगे नहीं लाजमी नहीं है, जी लाजमी नहीं, अभी आपको और एग्जांपल भी कराऊंगा जिसमें डिफरेंट होगा। ये देखिएगा बेटा ये कार्बन है, और अच्छा इस पे ये नहीं शो हो सकता बेटा, इसके अंदर ना रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिर्फ तीन एटम्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसमें तीन से ज्यादा एटम्स आ रहे हैं ना बेटा, तो इसलिए इसका मॉडल यहां पर नहीं बन सकता। मैं आपको चलें एक और ऐसी एग्जांपल कराता हूं जिसमें टोटल एटम्स ही तीन है इस मॉलिक्यूल में। सर एक सवाल पूछूं, जी बेटा अभी पूछ लें, सर आपने ये तो एक कार्बन एटम के जरिए किया है कि दो दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, लेकिन अगर दूसरे कार्बन में भी यही है तो हम टोटल इस तरह करके चार बॉन्ड पेयर और ना ना तीन ना लोन नहीं पेयर नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपने आपने बेसिकली सिलेक्ट तीन एटम ही करने हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम आप तभी निकाल सकते हैं ना, अगर चार करोगे तो उसका सेंटर क्या निकालोगे, तीन एटम सिलेक्ट करके फिर आपने सेंट्रल एटम को देखना होगा। अब देखें ये एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें चार एटम आ रहे हैं, तो आप इस तरह करेंगे पहले इस पार्ट को सिर्फ देखेंगे और इसका सेंट्रल एटम ये है, इसकी बेस पर एंगल बता देंगे, वो एग्जाम में आपसे पूछेगा बेटा, वो एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि ये बताएं जी जो कार्बन ए है वो क्या बॉन्ड एंगल बता रहा है,
फिर आपसे ये पूछ सकता है, बताएं जी जो कार्बन भी है वो क्या बॉन्ड एंगल बता रहा है। तो इसलिए आप अलग अलग बताएंगे, कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे। मैं भी आपको बेटा एक और ऐसी एग्जाम्पल करा देता हूँ जिसमें तीन ही एटम्स हैं, HCN। ये देखिएगा बेटा, ये ज़्यादा आसान है, हाइड्रोजन साइनाइड। आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है वो तीन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। अब मुझे ये बताएं कि इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला कैसे होगा भाई? ये नॉलेज तो आप सबके पास है, क्या इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला ऐसे होगा या नहीं होगा? चेक करें जरा। जी बेटा, डिस्प्लेट फॉर्मूला ऐसे ही होगा ना, इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला बोलते हैं जिसमें तमाम बॉन्ड्स आप शो कर रहे होते हैं। ऐसा ही होगा। अब बेटा इसके डॉट एंड क्रॉस पर आते हैं, ये कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बेटा ये तीन नाइट्रोजन के भी पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो मैंने इस साइड पर ड्रॉ किए हैं जो लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका डॉट एंड क्रॉस, कार्बन आ रहा है सेंटर में ये जी, और कार्बन के पास है जी तीन और एक इधर, ये है जी आपका नाइट्रोजन, और ये है जी आपका हाइड्रोजन। अब बेटा आपने इसकी ज्योमेट्री बतानी है, फिर बता रहा हूं, वेस्पर थ्योरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर कंसीडर करती है। तो आपने जब सेंट्रल एटम को देखना है जो कि कार्बन है, तो कार्बन के अराउंड आपने देखना है कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, या ये टर्म याद कर लें कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ये दो पेयर मैं क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा कि भाई वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर सेम एटम्स के दरमियान रिपीट हो रहे हैं। आपने बॉन्ड एंगल के लिए देखना होता है कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं कार्बन के अराउंड। तो बेटा अब अगर आप इसका देखें कि बॉन्डिंग सर पेयर, हमेशा सर हमने कार्बन इसलिए चूज किया क्योंकि सेंट्रल एटम जी है बेटा कार्बन इसलिए क्योंकि सेंट्रल एटम, हमेशा सेंट्रल एटम को सर, हम देखना है। हमेशा सेंट्रल एटम चूज करेंगे। बिल्कुल, बॉन्ड पेयर दो, लोन पेयर बेटा जीरो, बॉन्ड पेयर दो हैं, लोन पेयर जीरो है। तो ये कॉम्बिनेशन देख ले जरा, क्या कॉम्बिनेशन है बेटा ये? आपकी क्या ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए? टू जीरो के कॉम्बिनेशन में लीनियर, लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180, 180 वन सर, एटी 3-1 नहीं होगा, क्या नहीं होगा बेटा? 3-1 थ्री वन कैसे बेटा? एक्सप्लेन करें शाबाश, थ्री वन कैसे? सर, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है। सेंट्रल एटम को देखते हैं बेटा, सेंट्रल एटम को देखना होता है, नॉट सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम कौन है HCN के अंदर? कार्बन तो कार्बन का देखना है आपने कि कार्बन के बॉन्ड पेयर कितने हैं और कार्बन के लोन पेयर कितने हैं, ये देखना है आपने। ठीक है समझा बेटा, अब मैं अगर इसका मॉडल ड्रॉ करके दिखाऊं इधर, सर। सिर्फ एक मिनट बेटा, ये मॉडल जरा चेक कर लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन देखता हूं। ये बेटा दरमियान में था कार्बन, ये दरमियान में बेटा कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये CN, ये सबको नजर आ रहा है मॉडल बेटा HCN का। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, दिस इज CN। ये बॉन्ड एंगल मैं शो करने जा रहा हूं 180, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर। जी बेटा क्वेश्चन पूछिए आप। तो जब तक लोन एटम्स सेंट्रल एटम के ऊपर ना हो, लोन लोन पेयर, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन्स इग्नोर हो, करेंगे। उनको इग्नोर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटा अब मैं आता हूं फर्दर एग्जांपल्स पर कि जो लीनियर के अलावा हैं। ये तो भी मैंने आपको सारी वो एग्जांपल्स बताई बेटा जो कि लीनियर थी। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये करें बेटा कि अपने जो है ना उसके अंदर टेबल के अंदर जो आप लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, कहाँ चला गया टेबल? हाँ बेटा, ये जो टेबल है ना बेटा आप लोगों के पास, इसमें अब थोड़ी सी एडिशन कर लें। किसकी एडिशन? एग्जाम्पल्स की, कि जो लीनियर में आपने एग्जाम्पल्स पहले सिर्फ लिखी थी BeCl2, उसके आगे जरा एग्जाम्पल्स ऐड करते जाएं। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमने डिस्कस की, C2H2 ये भी हमने डिस्कस की, उसके बाद बेटा आप इसमें ऐड कर दें अभी जो हमने किया HCN। तो ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो बॉन्ड एंगल है 180 और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर। अब बेटा मैं आगे फर्दर एग्जाम्पल्स पर आ रहा हूँ जी। बेटा ये सल्फर जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सल्फर के वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। H2S,
SO2 एंड SO3। ये इन तीनों को बेटा अभी हम डिस्कस करते हैं जी, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर, अच्छा जब हम ये डबल पेयर को ड्रॉ करेंगे जी तो बेटा, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे या डबल से? नहीं नहीं बेटा, करेंगे तो डबल लाइन से, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक दफा वहां से सिलेक्ट करना है, करेंगे डबल से। अब बेटा आपने सपोज SO3 का वो बनाना है जी, SO3। अब मैं आपको इसका बताता हूं कि आप कैसे बनाएंगे। बेटा आपके पास ये नॉलेज है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? जी बेटा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ये बात, दो बॉन्ड बनाता है। गुड जी, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है ना बेटा, ये बात सबको पता है कि ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाने। बेटा कितने ऑक्सीजन है SO3 के अंदर, टोटल ऑक्सीजन कितने है जी, शाबाश बताएं। तो तीन ऑक्सीजन सल्फर के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो सल्फर यहां छह बॉन्ड बना रहा है बेटा, सल्फर यहां कितने बॉन्ड बना रहा है? छह बॉन्ड। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिए बेटा, ये मुझे कैसे पता चला कि सल्फर इस मॉलिक्यूल में छह बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से? कि एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और यहां पर तीन ऑक्सीजन है, तो तीन ऑक्सीजन सल्फर के साथ सिक्स बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस तरह की आपको शेप नजर आएगी। ऐसे होगा या नहीं होगा? चले मैं इसका डॉट एंड क्रॉस बनाता हूं भाई, डॉट एंड क्रॉस जरा देखें जी, इसका कैसे होगा। ये जी सल्फर, सल्फर के छह इलेक्ट्रॉन्स मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये सल्फर के छह इलेक्ट्रॉन रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं जी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी छह इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बाकी दो लोन पेयर होंगे ना इसके ऐसे। तो ये एक ऑक्सीजन बेटा इधर, दूसरा ऑक्सीजन इधर, और ये तीसरा ऑक्सीजन इधर आ गया जी। क्रॉस नहीं होगा एक डबल क्रॉस? हाँ, आप इसको क्रॉस से शो कर दें बेटा, ऐसे करके ऐसे। और बेटा छह छह इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं आपने, तो ऑक्सीजन के जो बाकी लोन पेयर है वो ड्रॉ कर दें आप। लेकिन देखना आपने सल्फर को है भाई, देखना आपने सल्फर को बेटा। ये है सिचुएशन जी। अब मुझे ये बताएं, गौर से देखें और ये बात जेहन में रखें। अब मैं आपको एक और लाइन बताता हूं, उससे चले हेल्प लें, कि जब भी आपने बेटा वेस्पर थ्योरी के अंदर जब भी आपने किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करना है, तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने होते हैं बिटवीन दी टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, के दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के दरमियान एक दफा इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है आपने। तो बेटा आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें, मुझे बताएं कि सल्फर के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर। सिक्स क्यों नहीं कहूंगा? सिक्स इसलिए नहीं कहूंगा कि बाकी जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं दो न्यूक्लियाई के दरमियान आ रहे हैं। तो आपने तो दो डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करना होता है, तो एक एक दफा आपने इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है। तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा आपके पास, लोन पेयर कितने हैं सल्फर के पास? लोन पेयर चेक करेंगे सल्फर के, एक भी नहीं, एक भी नहीं है। तो ये थ्री जीरो। जीरो का, ये थ्री जीरो का कॉम्बिनेशन है बेटा, थ्री जीरो का कॉम्बिनेशन। जरा अपने टेबल पे देखें कि थ्री जीरो का कॉम्बिनेशन में क्या आंसर आ रहा है जी। थ्री जीरो, ट्राइगोनल प्लेन। यस, तो बेटा इसके आगे शेप आप लिख देंगे, SO3 भी एग्जाम्पल के तौर पर डाल दें SO3। और आपको मैं अभी इसका मॉडल भी दिखा देता हूं बेटा, मॉडल जरा देखें बेटा। मॉडल इसका ये होगा कि ये सल्फर है बेटा, सल्फर, और तीन ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं ये जी। बस सिंपल सी बात बेटा, कि आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है, बस ये सारी कहानी है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करें और उसी टेबल को फॉलो करें। तो ये आपके पास जो बॉन्ड एंगल आ रहा है 120 का आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। और मॉलिकुलर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर बेटा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ जी, नेक्स्ट सर एग्जाम्पल, हमारी बायो की क्लास है। सिर्फ लास्ट एग्जाम्पल जी। कितने बजे बेटा बायो की क्लास? सर अभी 12 बजे है। 12 बजे, चलें बेटा, ठीक है ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। क्योंकि अभी आइंस की रहती थी, तो हम आइंस की फिर जो है ना शिफ्ट वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।
हाँ।